हाजिर हूँ दूसरे पार्ट के साथ। अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने ग्रिड्स बनाई वो किस काम के लिए। अब जो मैंने बताया दो फॉर लूप के थ्रू हमने ये ए प्रिंट किया, इट मीन्स ये आपके पास हर जगह ए प्रिंट होंगे, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये स्पीड में ये हर ग्रिड में आपके ए प्रिंट होंगे। डेट्स क्लियर फॉर ऑल। अब ये देखो, ये मैंने जो अभी बताया है ये सिर्फ मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। अब मैं लेट सपोज ये हटाता हूँ और मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ इफ के अंदर मैंने लगाया है इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो आपका क्या प्रिंट करे ए, सही है। एल्स कोई और सिंबल रख लेते हैं, एल्स आई थिंक प्लस, सही है प्लस मैंने लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या करेगा, सबसे पहले आउटपुट नहीं दिखा रहा, पहले क्लियर करूँगा मैंने क्या बोला, एक्स जब 1 हो, एक्स जब 1 हो, इस लूप की बात हो रही है। इस लूप में एक्स कब कब 1 होगा अब मैं बता रहा हूँ, इस लूप में एक्स 1 होगा, इस लूप में एक्स 1 हो 2 होगा इस कॉलम में, ये मैट्राइसिस का अब काम आएगा इसमें क्योंकि गेम एरिया क्रिएट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, जैसे कि मैंने आपको बोला ये पूरा कॉलम जो है ये एक्स का है, और हमने अभी क्यों एक्स लिया है ये देखो, एक्स और वाई, अब ये मैंने बनाया हुआ है पहले से मैट्राइसिस, यानी कि एक्स की वैल्यू इस पूरे कॉलम में 1 होगी, इट मीन्स आपका जो ए है वो इस पूरी कॉलम में, इस पूरे कॉलम में प्रिंट होगा और बाकी जगह पर आपका प्लस प्रिंट होगा, सिंपली। अब ये अभी इसका आउटपुट रन किया, सिंपल जैसा मैंने आपको बोला था। अब इसमें अगर चेंजेस करें जस्ट लाइक डेट के मैंने लगाई कंडीशन इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स इसकी क्या कंडीशन होगी, ये बंद किया, इसकी क्या कंडीशन होगी, ये मैं इरेज करता हूँ, ये एक्स की वैल्यू 4 कब होगी, इस कॉलम में 4 होगी, इट मीन्स ए यहाँ प्रिंट होगा और सेंटर में प्लस प्लस प्रिंट होंगे। अभी मैं रन करके चेक करवाता हूँ, ये रन हो जस्ट लाइक डेट आई सेड। अब इस तरीके से हम होलो स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे, जस्ट लाइक अभी मैंने प्लस की जगह स्पेस दे दिया, ये मैंने हटाया यहाँ पर प्लस की जगह स्पेस बोला है, ये खाली ना छोड़ना है वरना क्या होगा, स्पेस नहीं आएगा तो ये ए इस तरीके से आएगा, बिकॉज ये जो हमने बीच वाली जगह फिल करनी थी, क्योंकि ग्रिड्स हमेशा फिल होने चाहिए किसी ना किसी कैरेक्टर से, ये जो स्पेस है वो भी तो एक कैरेक्टर है, अगर ये फिल नहीं होगा तो ए डायरेक्टली पहले इसे फिल करेगा, इट मीन्स ए यहाँ प्रिंट होगा, यानी कि इस जगह को आपको फिल करना है, इट मीन्स आप स्पेस दे दें, से कंपाइल कंपाइल वाई इट इज नॉट कंपाइलिंग, जैसे कि मैंने बोला कि स्पेस दे दिया हमने, स्पेस दे दिया इट मीन्स अब जो प्लस की जगह है वो स्पेस आएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं स्क्वायर, कैसे, अगर मैंने कंडीशन दी, लेट सपोज ये हटाया, ये मैंने कंडीशन दी, अब देखें स्क्वायर बनाने के लिए क्या हमें ये जगह फिल करनी है, ये वाली, ये खाली छोड़नी है, एक मिनट से, ये वाली जगह हमें खाली छोड़नी है, इट मीन्स यहाँ की कंडीशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल्स टू 1 या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 4 या फिर वाई इज इक्वल्स टू 1 या फिर वाई इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स ये चार कंडीशन देने के बाद हमारा स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट सपोज मैंने ये कॉपी किया, अभी स्पीड में बता रहा हूँ, कॉपी किया, अब मैंने यहाँ लिख दिया वाई और ये मैंने लिख दिया वाई, ये सिंपल हो गया स्क्वायर, होलो स्क्वायर प्रिंट हो गया। अब लेट सपोज मुझे अब बाकी शेप्स का खुद ही कंडीशन बना लीजिएगा, मुझे ये इसका बनाने का नहीं है, जिस जिसको समझना है खुद ही समझ लेना, बाकी इसकी कंडीशन जस्ट सपोज हमने मैट्राइसिस का किया था कि मैट्राइसिस में क्या है, डायगोनल की कंडीशन क्या थी, डायगोनल की कंडीशन एज वी नो एज इक्वल्स टू वाई। अब डायगोनल की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर भी एक्स और वाई की सेम, यहाँ पर भी एक्स और वाई की सेम, इट मीन्स अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू वाई की कंडीशन डालें तो एक्स और वाई वो
आपका ए वहाँ वहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, जस्ट लाइक डायगोनल सिंपल। अब दूसरे पार्ट में दूसरी वीडियो देखें, अब तक के लिए इतना।